हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल फ्लेवर्स ऑफ माय प्लेट हिंदी। आज हम बनाएंगे केले के फूल की सब्जी। ये सब्जी बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक केले का फूल ली हूँ। मैं आपको इसको कैसे साफ करना है वो भी बताऊंगी। सबसे पहले फ्लावर्स के ऊपर का ये कवर निकाल लेते हैं और फ्लावर्स को तोड़ के रख लेते हैं। बाद में इसे हम कैसे क्लीन करेंगे वो मैं बताऊंगी आपको। तो इसी तरह से सारे बनाने के फ्लावर्स को तोड़ लेते हैं। ये एक फ्लावर लेते हैं, उसके अंदर से ये हार्ड डंठल को निकाल लेना है और ये प्लास्टिक जैसे दिख रहा वाला बाहर का जो पार्ट है इसको भी निकाल लेते हैं। ऐसे करके सारे फ्लावर्स को साफ कर लेना है। ये जो कुछ छोटे वाले फ्लावर्स हैं इसको हम साफ नहीं करेंगे क्योंकि बिल्कुल सॉफ्ट से होते हैं, तो इनको साफ करने की जरूरत नहीं है। अब एक कटोरी में एक स्पून हल्दी लेंगे, थोड़ा सा नमक, अभी पानी डाल के अच्छे से मिला लेंगे। अब उसमें बनाना फ्लावर को काट के छोटे छोटे पीसेस में डाल देंगे। इसे बनाने के फ्लावर काले नहीं होते हैं, इसको 10 मिनट के लिए भिगो के रख देते हैं। अब एक कढ़ाई में एक कटोरी पानी गरम कर लेते हैं, उसमें हाफ स्पून हल्दी और नमक डाल देते हैं, थोड़ा सा मिला लेते हैं। फिर ये पहले से भिगोया हुआ बनाना फ्लावर को निचोड़ के डाल देते हैं। इसके साथ एक बड़े साइज का आलू को छोटे पीसेस में काट के डाल देंगे। और इसे 10 मिनट के लिए उबाल लेते हैं। उबाल लेने से इसका जो कड़वाहट होता है वो निकल जाता है। ये अच्छे से उबाल चुका है, इसमें जो एक्स्ट्रा पानी रह गया है उसको हम छान के निकाल लेते हैं। अभी एक पैन में 2 स्पून सरसों का ऑयल लेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें एक बड़े साइज का प्याज और 3 से 4 कच्ची मिर्च को बारीक काट के डाल देते हैं। थोड़ा सा भून लेते हैं। अब 2 मीडियम साइज के टोमेटो को काट के डाल देते हैं, हल्का सा सॉटे कर लेते हैं। देखिए टोमेटो भी सॉफ्ट हो गया है। अब 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच सरसों का पेस्ट डाल के मिक्स कर लेना है। अभी 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डाल के इस मसालों के साथ अच्छे से भून लेते हैं। मसाला अच्छे से भून चुका है, ये देखिए ऑयल निकल के बाहर आ रहा है। अब कड़वाहट थोड़ा कम करने के लिए इसमें थोड़ा सा चीनी डाल देते हैं। अब इसमें पहले से बॉईल किया वाला बनाना फ्लावर डाल के मिक्स कर देते हैं। एक कप पानी डाल के इसको अच्छे से मिला लेते हैं। और इसे ढक के 5 से 6 मिनट के लिए पका लेते हैं। पांच मिनट हो चुका है, ढक्कन निकाल के देख लेते हैं। ये देखिए बहुत ही टेस्टी बनाना फ्लावर की सब्जी तैयार है। आप इसको गर्मा गर्म राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। इस रेसिपी को आप घर पर जरूर ट्राई करें और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साइड में बेल आइकन को भी क्लिक कर दें मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।